सीएम मोहन यादव का रोड शो भिंड में फ्लॉप हो गया, क्योंकि सीएम मोहन यादव जिस रथ में सवार होकर रोड शो कर रहे थे वह रथ अचानक चलते चलते बंद हो गया और फिर आगे नहीं बढ़ सका। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने भी रथ को धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस वजह से सीएम रोड शो को बीच में ही छोड़कर चले गए। बता दें, सीएम मोहन यादव गुरुवार को अपने प्रस्तावित कार्यक्रम से देरी से भिंड पहुंचे, जिसकी वजह से बीजेपी कैंडिडेट के नामांकन का समय निकल गया और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय को बिना सीएम के ही अपना नामांकन दाखिल करना पड़ा। करीब एक घंटे की देरी के बाद सीएम मोहन यादव रैली स्थल पर पहुंचे और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो सका। रथ पर सवार मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह आर्य और अरविंद भदौरिया के साथ बीजेपी कैंडिडेट संध्या राय प्रचार रथ पर सवार हुए और सीएम का रोड शो कलेक्ट्रेट चौराहे से शुरू हुआ। किला रोड पर पहुंचते ही सीएम का रथ खराब हो गया। सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने रथ को धक्का देकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा, जिसके बाद सीएम नाराज हो गए और रथ से नीचे उतरकर कार में बैठकर हेलीपैड के लिए रवाना हो गए।